पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे श्रम कार्ड, असंगठित मजदूरों को मिलेगा लाभ। भारत सरकार के द्वारा नया श्रम कार्ड लॉन्च किया गया है। इसके प्रचार प्रसार के लिए भिंड कॉमर्स सर्विस सेंटर के द्वारा जागरूकता के लिए कलेक्ट्रेट से लेकर जिला पंचायत तक रैली निकाली गई, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आपको बता दें कि सीएससी जिला प्रबंधक पंकज शर्मा ने बताया कि श्रम कार्ड बनने से जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ सभी असंगठित मजदूरों को मिलेगा। इन योजनाओं को श्रम कार्ड से लिंक किया जाएगा। श्रम कार्ड शहरों से लेकर पंचायतों तक सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा बनाए जाएंगे। इससे कोरोना जैसी महामारी में इलाज से लेकर कई योजनाओं का लाभ असंगठित मजदूरों को मिल सकेगा। एक नया कार्ड लॉन्च किया हुआ है, जिसको बोलते हैं श्रम कार्ड। केंद्र सरकार के माध्यम से श्रम कार्ड, जितने भी श्रमिक हैं उन सभी के श्रम कार्ड बनाए जाने हैं। आगे आने वाली जो भी योजनाएं हैं वो सारी श्रम कार्ड से लिंक होंगी, जिसके माध्यम से जितने भी श्रमिक हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? रैली अपने कलेक्टेड कार्यालय से जिला पंचायत श्रम विभाग तक जाएगी। क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि अधिक से अधिक जो भी संगठित मजदूर हैं उनके कार्ड बनाए जाएँ, जिससे जितने भी गरीब लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे हर ग्राम पंचायत में एक एक कॉमन सर्विस सेंटर है, जिनके माध्यम से ये ग्राम पंचायत में कैंप मोड़ पे कार्ड बनाए जाएंगे। इस कार्ड की पात्रता क्या होगी? इस कार्ड की पात्रता जितने भी असंगठित मजदूर हैं उन सभी के ये कार्ड बनने हैं, और इसमें वो लोग पात्र होंगे जो श्रमिक हैं, जिनका ITR नहीं कटता है, जिनका जो टैक्स पेयर नहीं है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, उन लोगों को इसमें भागीदारी दी गई है। क्या लाभ होगा? जितनी भी केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं बनती, जैसे अभी कोरोना महामारी में केंद्र सरकार असंगठित मजदूरों की मदद करना चाह रही थी, पर उनके पास डेटा नहीं था, तो ये पूरा यूनिक डेटा इकट्ठा हो रहा है पूरे देश का, जिससे कोरोना जैसी महामारी कभी भविष्य में आती है तो उनको DBT के माध्यम से डायरेक्ट पैसा भेजा जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं CSE जिला प्रबंधक भिंड से।